एसाइटिस यानी आपके लोअर एब्डोमेन में फ्लूइड्स का एक्युमुलेशन एक ऐसी स्थिति है जो आपके लीवर सिरोसिस के होने पे आती है, और लीवर सिरोसिस या स्कैनिंग ऑफ लीवर टिश्यू आज की बहुत कॉमन समस्या है। तो हम इस समस्या से निपटने में आपकी मदद के लिए आज ये वीडियो लेकर आए हैं। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे एसाइटिस के विषय में। एसाइटिस यानी आपके एब्डोमिनल एरिया में फ्लूइड्स का डिपोजिशन होना, एक्युमुलेशन होना। बहुत साथियों गंभीर समस्या है ये, क्योंकि जिस तरह लीवर के डिजीज़ के मरीज़ बढ़ रहे हैं उस तरह से एसाइटिस भी बढ़ रहा है। जब आपको लीवर सिरोसिस या इस तरह की कंडीशंस होती हैं जहाँ पे स्कैरिंग ऑफ लीवर टिश्यू होता है तो आपको ये एसाइटिस इसका एक सिम्टम होता है। तो आज हम बात करेंगे एसाइटिस की स्थिति में आपको कैसे लाभ दिया जा सकता है, बताएंगे आपको कुछ कारगर दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं एसाइटिस होता क्या है। एसाइटिस साथियों वह स्थिति होती है कि जब आपके एब्डोमेन में एबनॉर्मल फ्लूइड्स का एक्युमुलेशन शुरू हो जाता है, इसी स्थिति को एसाइटिस कहते हैं। इसके सिम्टम्स साथियों, सिम्टम्स इसके सबसे आपका पेट का उभार आ जाना, पेट में टाइटनेस आ जाना, ब्रेथ का शैलो हो जाना और लीवर के यानी राइट साइड यहाँ पर आपके पेन होना, यह सब सिम्टम्स होते हैं जो एसाइटिस के होते हैं। कारणों की बात कर लेते हैं साथियों एसाइटिस के कारण। एसाइटिस का कारण वह होता है कि जब आपकी किडनी एक्सेसिव सॉल्ट्स का, सोडियम को बॉडी से दूर नहीं कर पाती, निकाल नहीं पाती है, तो आपके एसाइटिस डेवलप होती है। 80% केसेस में लीवर सिरोसिस इसका कारण होता है, यानी स्कैरिंग ऑफ टिश्यू। होता क्या है साथियों, जब आपके जो ब्लड लीवर में आता है, जिस समय आपके सिरोसिस होती है तो यह ब्लड आगे नहीं बढ़ पाता है, तो जो पोर्टल वेन ब्लड को सप्लाई करती है लीवर को, उसमें प्रेशर बढ़ जाता है, वह स्वेल कर जाती है। इसी को पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं। जब आपके पोर्टल हाइपरटेंशन होता है यानी कि ब्लड आपका जो पोर्टा जो वेन सप्लाई कर रही होती है, आर्टरी सप्लाई कर रही होती है ब्लड लीवर को, वह स्वेल कर जाती है, उसका प्रेशर बढ़ जाता है, तो आपके ब्लड रेस्ट ऑफ द बॉडी किडनी वगैरह में प्रॉपर नहीं पहुंच पाता। जब तक ब्लड किडनी में नहीं पहुंच पाता है तो वहां पे फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, और फिर जो एक्युमुलेशन होता है उस पोर्टल वेन के प्रेशर के बाद लीवर में ब्लड फ्लो ना करने के कारण, उसके कारण आपके एब्डोमेन में वह फ्लूइड एक्युमुलेट होने लगता है। यही कारण होता है साथियों एसाइटिस का। लेकिन साथियों समस्या है तो समाधान है। हम आपको बताएंगे कुछ कारगर दवाएं एसाइटिस को मैनेज, कंट्रोल और ठीक करने के लिए। लेकिन क्योंकि यह बड़ा सेंसिटिव इशू है, क्योंकि एसाइटिस बीमारी नहीं है, यह एक सीरीज ऑफ इवेंट है, पूरे इवेंट चले और आखिर में वो एसाइटिस तक आ गए, तो यह गंभीर मेडिकल कंडीशन है, इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन है। आप कुशल चिकित्सक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, किसी की भी राय लेकर ही कोई भी दवा ले, और होम्योपैथी का इसमें मैं कहूँगा थोड़ा कंजर्वेटिव रोल है, आपको मैनेज करके देगी लेकिन आपको सही लीवर को करना है। तो कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से ना लीजिए, पूछे ना लीजिएगा। चलते हैं साथियों सफ़र पे, जिस पे आपको बताते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण एसाइटिस को ठीक करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। एक स्थिति आती है साथियों, जब आपके एसाइटिस होता है तो आपको प्यास नहीं लगती और आपका पेट बहुत सूज जाता है। जो अगर आपको प्यास नहीं लग रही और आपका पेट बहुत सूज रहा है और आपको ठंडे से आराम मिल रहा है और गर्म चीज़ों से तकलीफ हो रही है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है एपिस मेलिफिका। आप एपिस मेल 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर आपको ठंडी चीज़ों से तकलीफ आराम मिल रहा है और गर्म चीज़ों से तकलीफ हो रही है, प्यास आपको बिल्कुल नहीं लग रही और स्किन आपकी ऐसे चमकदार वैक्सी लुक की हो गई है, तो एपिस मेल बहुत अच्छी दवा है। यह दवा आपको लाभ देके आपको एसाइटिस से बाहर आने में मदद कर सकती है। एक स्थिति आती है साथियों, किसी मरीज को टाइफाइड हुआ हो और उसके बाद उसका पोर्टल हाइपरटेंशन हो रहा हो और उसको प्यास बहुत लग रही हो,
लेकिन पेशाब बहुत कम हो रही हो, तो अगर यह स्थिति हो साथियों कि किसी को टाइफाइड या स्कारलेट फीवर की हिस्ट्री हो और उसके बाद उसका पोर्टल हाइपरटेंशन बढ़ा हो और उसको एसाइटिस हो रहा हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है एनाकार्डियम ओरिएंटेल। आप एनाकार्डियम ओरिएंटेल 200 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपको प्यास बहुत लग रही है, लेकिन आपको पेशाब बहुत कम हो रही है, आपकी स्किन ड्राई है और आपके पेट में बहुत सूजन है, तो एनाकार्डियम बहुत अच्छी दवा उस स्थिति की। यह टाइफाइड के बैड इफ़ेक्ट को भी ख़त्म करेगी और आपके एसाइटिस को भी ठीक करने में हेल्प करेगी। एक स्थिति आती है साथियों कि कभी आपके लंग्स में कोई दिक्कत हो और आपके उसके कारण एसाइटिस हो गई हो, तो अगर यह स्थिति हो कि कभी आपके फेफड़ों में आपके लंग्स में दिक्कत हुई हो और उससे अब आपको एसाइटिस हो रही हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है आर्सेनिक एल्बम। आप आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं। यह दवा आपके एसाइटिस को भी ठीक करेगी, आपके लंग्स को भी हेल्दी करेगी और आपके जो यह परेशानी है उसको आपको हेल्प ठीक करने में हेल्प करेगी। एक स्थिति आती है साथियों कि आपको एल्बुमिनेरिया की शिकायत हो, मतलब पेशाब में आपके एल्बुमिन आ रहा हो और आपको एसाइटिस हो, एल्बुमिन यानी प्रोटीन, तो अगर आपके यूरिन में प्रोटीन आ रहा है और आपको एसाइटिस की शिकायत है, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है लैक डेफोरेटम। आप लैक डेफोरेटम 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं। यह एक संभावित दवा हो सकती है आपके एसाइटिस को ठीक करने के लिए और आपके एल्बुमिन यानी प्रोटीन इन यूरिन को भी ठीक करने में। एक स्थिति आ सकती है किसी मरीज को कि उनके लीवर का कैंसर हो, लीवर का कैंसर हो और उनको एसाइटिस हो गया हो, तो यह स्थिति अगर हो कि लीवर का कैंसर हो और एसाइटिस हो गया हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है एसिड म्यूडेटिकम। आप एसिड म्यू 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार हर उस मरीज को दे सकते हैं जिसको कि लीवर कैंसर हुआ हो और उसको एसाइटिस हो गई हो, तो यह दोनों बातों में फ़ायदा करके मरीज को स्वास्थ्य लाभ ठीक ही। एक स्थिति साथियों आती है कि मरीज को बिल्कुल म्यूकस वाली जेली लाइक डायरिया हो रहा हो, बिल्कुल आँव आ रही हो बहुत ज़्यादा और उनके एसाइटिस हुई हो, तो अगर यह स्थिति हो कि भारी उन्हें डायरिया हो आँव वाला और उन्हें एसाइटिस हो रही हो और यूरिन बिल्कुल डार्क हो रही हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है हेलिबोरस नाइगर। आप हेलिबोरस 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार हर उस मरीज को दे सकते हैं जिसकी यूरिन डार्क कलर्ड हो, जिसको डायरिया हो, डायरिया में म्यूकस आ रही हो, तो हेलिबोरस उसको लाभ देकर, उसको स्वास्थ्य लाभ देकर आपके उसके मरीज के जीवन को आसान बनाएगी। एक स्थिति साथियों आ सकती है किसी मरीज में कि उस मरीज के ड्रॉप्सी यानी एसाइटिस हो, उनका स्प्लीन बढ़ा हो और लीवर बढ़ा हो, तो अगर यह स्थिति हो कि आपका मरीज का स्प्लीन और लीवर दोनों बढ़ा हो और उसको एसाइटिस हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की बहुत कारगर दवा है लियाट्रिस स्पाइकाटा। आप लियाट्रिस स्पाइकाटा 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार उस मरीज को दे सकते हैं जिसको कि लीवर और स्प्लीन दोनों बढ़ाओ। यह एक ऐसी दवा है साथियों जो 1.5 गैलन यूरिन एक दिन में करा के पेट हल्का कर सकती है, तो आपके अगर बहुत ज़्यादा समस्या है तो आप इस दवा का इस्तेमाल करके भी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक स्थिति आती है साथियों कि किसी मरीज को हर समय नज़ला बना रहता हो और उसको एसाइटिस हो, तो अगर यह स्थिति है कि फ्रीक्वेंट कोल्ड मरीज को होता रहता हो, एक नज़ला कंजेशन बना रहता हो और उसको एसाइटिस हो गई हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है डलकम मारा। आप डलकम मारा 200 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार हर ऐसे मरीज को दे सकते हैं जिसको कि नज़ला बना रहता है और उसको एसाइटिस है, अगर यह सिम्टम मैच खाएगा तो यह एक संभावित दवा है उस मरीज को लाभ देने के लिए। एक स्थिति आती है साथियों किसी मरीज के पेट में बहुत पानी आ गया हो, फ्लूइड्स एक्युमुलेट हो गए हों और उसको डायरिया बना रहता है और उसको उकाई बहुत आ रही हो, तो अगर यह स्थिति हो कि आपको एक नौजिया वॉमिटिंग टेंडेंसी हो और आपके पेट में बहुत भारीपन हो और आपको डायरिया बना रहता हो, तो उस स्थिति की को ठीक करने की बहुत कारगर दवा है एक्टिया स्पाइकाटा। आप एक्टिया स्पाइकाटा 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं। यह दवा आपके एसाइटिस को भी ठीक करेगी, आपके डायरिया को भी ठीक करेगी और आपको स्वास्थ्य लाभ देके आपको सुकून में लाएगी। एक स्थिति आती है साथियों आपके एब्डोमेन में बहुत पेन हो रहा है और आपको एसाइटिस है
और आपको स्मोकी टाइप यूरिन आ रही है, तो अगर यह सिम्टम आप में साथियों कि आपके पेट में दर्द हो रहा हो लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा और आपको स्मोकी यूरिन आ रही हो, तो उस स्थिति की होम्योपैथी बहुत कारगर दवा है टेरिबिंथ। आप टेरिबिंथ 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार एसआईटिस के हर उस मरीज को दे सकते हैं जिसको पेट में भारीपन हो और यूरिन स्मोकी हो। यह दवा लाभ देके उस मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों कि एसआईटिस इतना ज़्यादा मरीज उससे परेशान हो रहा है कि एसआईटिस के का उसको एसआईटिस है, वो फिर फूड की खाने की और किसी भी पेय पदार्थ की स्मेल को भी नहीं बर्दाश्त कर पा रहा, उसे उकाई आ रही है। तो अगर यह स्थिति हो कि मरीज को बहुत ज़्यादा नौजिया हो रहा हो, उसको खाने की स्मेल से भी उकाई आ रही हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी बहुत कारगर दवा है कोल्चिकम। आप कोल्चिकम ऑटोमिनेल 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार हर उस मरीज को दे सकते हैं जिसको खाना खाके खाना की महक से ही उसको उकाई आती हो। यह दवा उसको लाभ देगी, स्वास्थ्य लाभ देगी और एसाइटिस को भी ठीक करने में मदद करेगी। एक स्थिति साथियों आती है किसी मरीज को एसाइटिस की शिकायत हो और उसके पेट में बहुत भारीपन लग रहा हो, तो अगर यह स्थिति हो किसी को कि एसाइटिस की शिकायत हो उसे बहुत ज़्यादा भारीपन लग रहा हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की लोअर एब्डोमेन में गैस गुड़गुड़ कर रही हो, कुछ उसे यूरिन बिल्कुल ना हो रही हो, प्यास भी ना हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। आप लाइकोपोडियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार हर उस मरीज को दे सकते हैं जिसको शाम को तकलीफें 4 बजे के बाद बढ़ती हों, पेट में भारीपन रहता हो, गैस की गुड़गुड़ाहट रहती हो लोअर एब्डोमेन में, पेट में दर्द हो, यूरिन उसको ना हो रही हो, तो लाइकोपोडियम उसको लाभ देकर पेट में हल्कापन लाएगी। एक स्थिति साथियों आती है किसी महिला में आ सकती है कि उनका मेनोपॉज हो गया हो या उनके पीरियड डिलेड आ रहे हों और उनको एसाइटिस हो। तो अगर यह सिम्टम किसी महिला में हो कि उनके मेनोपॉज हो गया हो और पीरियड उनके डिलेड आ रहे हों, उनको प्यास ना लगती हो, उनको बंद कमरे में रहना ना पसंद हो, उनको कोई जब कंसोलेशन देता हो तो उन्हें अच्छा लगता हो, सांत्वना देने से उन्हें अच्छा महसूस होता हो, खुशी महसूस होती हो, तो उस स्थिति की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है पल्सेटला नाइग्रा। पल्सेटला नाइग्रा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप हर उस मरीज को दे सकते हैं जिनका मेनोपॉज की स्थिति हो या पीरियड डीरेंज हो, जिनको प्यास बिल्कुल ना लगती हो, जिनको बंद कमरे में रहना ना पसंद हो और जिनको सांत्वना देने से आराम मिलता हो, वो थोड़ा बदन उनका दुबला पतला ही गहरा हो, इस तरह की जो कॉन्स्टिट्यूशन हो, तो अगर यह सिम्टम्स हो साथी हो तो ऐसे व्यक्ति की एसआईटिस के केस में दवा पल्सेटला एक संभावित दवा हो सकती है। ये साथियों को दवाएँ थी एसआईटिस की। एसआईटिस एक सिम्टम है जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, उसका फ्लूड एक्यूमुलेट होता है तो साथियों लोअर एब्डोमेन में, तो हम आपसे कहेंगे साथियों कि कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे ना लीजिएगा, क्योंकि एसआईटिस एक गंभीर स्थिति है। आपके मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, कोशिश करेंगे आपकी बात का जवाब दे सके। निवेदन करेंगे साथियों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूं ही प्राप्त करते रहिएगा। धन्यवाद।